भाभी जी वो क्या है ना कि आजकल दरअसल एक लड़की हमें बार बार फोन कर रही है, तो वो कहती है कि वो हमारी दीवानी है। एक लड़की जो है वो उन्हें फोन करती है, का? वो कह रहे थे कि वो लड़की उनसे कहती है कि वो उसकी दीवानी है और वो उन्हें रोज फोन करती है। क्या हुआ पगली? देखिए आपकी चुड़ैल गर्लफ्रेंड क्या लिखे गई है। अच्छा जी, कोई संबंध नहीं है आपका उस लड़की के साथ? तो आपके बेडरूम में आके कोई भूत लग गया आपके आईने पे कि मैंने तेरा सिंदूर चुरा लिया बौड़ा मोरत? भभूति जी तो अभी अभी आए, फिर इन्हें कैसे पता चल गया कि हमारे आईने में कौन लड़की आईने पे क्या लिख गई? आपके पड़ोसी है ना, पड़ोसी बहुत ही हैंडसम है, विभूति नारायण। अच्छा, उन्हीं के साथ मेरी मोहब्बत चल रही है। अनु, ये जो भी है लड़की झूठ बोल रही है, शी इज लाइंग। तोबा तोबा तोबा, मेरी जानू लगता है वहीं पे है। मेरा विभू लगता है अपनी बीवी के साथ है, इसलिए घबरा गया ना, डर गया। अभी तो आया था, अभी परेशान करके गया, कितना सारा परेशान करके गया, नॉटी बॉय। विभू आ जाना, हाँ आज शाम को आ जाना। I like it। विभू, अनु ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, अनु सरासर झूठ है। तो सच क्या है? एक्चुअली सच ये है कि वो लड़की ये है ही नहीं जो तिवारी जी को फोन करती थी। तो फिर किसका फोन आया था? विभू सच क्या है? अरे जानो तो खत्म करो ना, जो होगी सो होगी, बात सॉल्व होगा। विभू मैंने पूछा सच क्या है? एक्चुअली वो लड़की की आवाज में मैं ही फोन करता था तिवारी जी को। आप लोग कॉफी पियेंगे? Will you have some coffee? Nice filter coffee? Anybody? Coffee? मैं लेके आता हूँ कॉफी। I'm sorry, विभू की तरफ से। It's okay भाभी जी। सारे इतने बड़े ढीड़े हो गए, तमीज ना इन लौंडों को। चाय पिला यार बढ़िया से। अरे यहाँ तेरे पहले के 50 रुपए बाकी। अभी तो मेरी जेब में पर्स था यार, कहाँ चला गया? अब ऐसे मत देख यार, पैसे दे उसमें, आज ही पैसे लेके आया था। यार कहाँ चला गया? अब मैं समझा, ये टीका मलकान आए थे, टीका मुझसे पीछे से चिपका था, उड़ा लेगा बस मेरा। सारे चोर कहीं के। टीका हाँप रहा है तू तो, सांस चढ़ गया तुझे? अबे वो तो आज मैंने नाश्ता नहीं किया। अच्छा मलकान। हाँ बोल। ये देख, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं भैया। ये 600 रुपये तो मेरे हैं और 300 रुपये तू रख ले। ठीक है। अरे भैया जी, अरे टीका की मेहनत की पहली कमाई है, अरे चाय वाय पीनी है तो बता दो, पिला देंगे तुम्हें। मेरा वॉलेट निकाल। वॉलेट? अबे बटुआ पर्स। भैया जी कौन से पर्स की बात कर रहे हो आप? जो अभी तुमने कुछ देर पहले कन्फ्यूजन क्रिएट करके मेरी जेब से पार किया था। और जिस पैसों का तुम बंटवारा कर रहे हो उस पर्स की बात कर रहा हूँ मैं। भैया जी वो तो पप्पू लाला अग्रवाल है ना, उसका फर्नीचर बेचा था हमने, उसके पैसे आए थे, उसकी बात कर रहे थे हम तो। और उससे हमको क्या है कि 1000 रुपये की कमाई हुई है। वैसे भैया आपके पास तो हमेशा 10-20 रुपये रहते हैं।
तो चोरी करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। भैया ये झूठा इल्जाम लगा रहे हो आप हम पे। हम पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, लौंडियों को छेड़ते हैं, मगर हम चोरी कभी नहीं करते हैं। ये फालतू की बकवास बंद कर और चुपचाप मेरा बटुआ मेरे हवाले कर, चल। भैया जी हम ना आपकी कसम खा के कह रहे, टीका ने आपका पर्स ना चुराया हो। अरे दादा का भैया विभूति यार, तुम इतना काल भड़क रहे हो इन पे। दरोगा जी, इस टीका ने मेरा पर्स चुराया है। कुछ देर पहले मैं यहाँ पर आया था, चाय की दुकान पे बैठा हुआ था, ये दोनों आए भागते हुए, इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया मेरे आसपास, एंड ये टीका ही वाज फीलिंग मी अप। इसने मुझे पीछे से फील भी किया और आगे से ये मलखान उसके साथ खेल रहा था। देख मेरा क्योस्क, इन्होंने क्योस्क क्रिएट किया, उस बीच में इन्होंने मेरा वॉलेट जो था उड़ा लिया। अच्छा कायरे, तुम लोगों ने ससुर जी मोहल्ला में अब चोरी चकारी भी शुरू कर दी हैं। दरोगा जी हम आपकी कसम खा के कहते हैं हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। तो पता है ना हमारी कसम खा रहा झूठी, जबकि पता है सारे हमारी नौ नौ ये बच्चा और प्रेग्नेंट बीबी है घर में है? चल थाने चला बे, तेरी खाल खींच के रख देंगे हम। भैया भैया भाभी जी ने पर्स भेजा है, वो आप घर पर ही भूल आए थे। तुम्हें यार अपने सामान को खुद होश नहीं, यहाँ के खुद को सामान कहाँ डरो है गो, और तुम ससुर मासूम लौंडा लपाड़ियन पे इल्जाम लगा रहे हो। अरे जी ससुर अच्छी फैमिली के लौंडा लपाड़ियन यार। तुम सुनो तनक, अपनो होश में रहो तुम। गाइस आई एम सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी। इट इज ओके भैया, होता है कभी कभी ऐसा, हमने आपको माफ किया। Come on guys, come on, come on, come on, come on. I love you भैया जी। Right. Love you भैया। All right, it's okay guys. Hey, अंकल, क्या कर रही है? धड़कनें रुक जाती हैं, सांसें थम जाती हैं, न जाने कितनी उम्मीदें एक साथ सर उठाती हैं जब भाभी जी अपने लबों पर लिपस्टिक लगाती हैं। एक तूफान सा उठता है दिल में, न जाने कितने चिराग जल उठते हैं फिजाओं में, एक खुशबू सी तारी हो जाती है हवाओं में, चिड़ियाएं एक साथ एक सुर में चहचहाती हैं जब भाभी जी अपने लबों पर लिपस्टिक लगाती हैं। विभूति यार कमाल बोला है तूने, क्या नजम बोली यार, बाय गॉड आई एम इंप्रेस्ड। अब भरभूति जी अब वहां अकेले का बड़बड़ा रहे हैं। भाभी जी एक्चुअली क्या है कि आपको वो लिपस्टिक लगाते हुए देखा तो खुद ब खुद जबान से एक यू नो नजम अपना ये अभी ठीक कराइए इसको, एक जुबान से अपना अपने आप एक नज़म निकलाई भाभी जी आप। नज़म का होता है अभी समझ लीजिए कि ये अपना गजल की बहन होती है। गजल का होती है, गजल आप होती हैं भाभी जी। आप गजल है का? हाँ भाभी जी आप गजल नहीं बल्कि आप गजलों का पूरा दीवान है। अब भरपति जी आप कहा बोलते हैं, हमको तो अंडरगारमेंट ही नहीं होता है। अभी जी इट्स नॉट अंडरगारमेंट, इट्स Understand. सही पकड़े हैं। अब भरभूति जी देखिए हमको बहुत बहुत काम है, हाँ हम चलते हैं। आपके लिए चाय वाय बना दे का? नहीं भाभी जी चाय बना। नहीं हमारे पास टाइम भी नहीं है, बहुत काम है।
हम बैठो, हम चाय बना ही देते हैं आपके लिए, कब से बैठे जा ही ना ही रहे हैं। भाभी जी, आज रात को हम आपकी लिपस्टिक चुरा ही लेंगे। भाभी जी सोती हुई कितनी हसीन लगती हैं। भाभी जी हम माफी चाहेंगे, आज हम आपके होठों की लाली चुराने आए। आया आया अटरिया पे कोई चोर, आया आया अटरिया पे कोई चोर। भाभी जी खुद लेटी हुई हैं, आवाज बैठी हुई है, लेकिन फिर भी कितने सुरमे हैं भाभी जी। अटरिया पे कोई चोर आया आया। अरे यार, इतनी रात को भी ये फरमाइशी नगमों का प्रोग्राम प्रस्तुत कर रही है। अंगूरी आया आया अटरिया। अंगूरी जगा रहे हैं। का प्रोग्राम प्रस्तुत कर रही हो पगली, ऑडिशन में जाने का है का? अगा वो हम गाना गा रहे थे का? और नहीं तो का पगली? अगलाक बैठ गया है, पानी है का? अरे हम जिसे पानी लेकर आते हैं। कितनी बात का, रात को पानी रख के सोया करो पगली। आपको गाना गाना है ना? अरे चोर, बेडरूम में चोर घुसा। नींद नहीं आ रही यार, बिजली के खंभे से जाके झटके ले। विभूति भैया, फेंक दो फेंक दो, सब फेंक दो। बड़े एक नंबर के चोर लग रहे हैं, स्टाइलाइज्ड चोर। आई लाइक इट। ऐ भाभी जी की लाली, तो उनके गुलाबी लबों को छू के और गुलाबी बना देती है। सर बता तो सही, उनके उन नरम लबों का एहसास कैसा है? मैं भी उनके नरम लबों के लम्स को महसूस करना चाहता हूँ। कुछ देर के लिए उन नरम लबों का एहसास मुझे उधार दे दे। वाह, क्या एहसास है। बिबू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। और अरे तुमने मुंह पे हाथ क्यों रखा हुआ है, क्या हुआ तुम्हारे मुंह को? एक्चुअली वो होठ फटे हुए ना, इसलिए। होठ फट गए तुम्हारे? दिखा यार, होठ फट गए तो फट गए यार, मतलब मौसम ही चल रहा है ना आजकल, होठ फटने का तो फट गए। अच्छा दिखाओ कैसे फटे। यार तुम डॉक्टर हो क्या? हाँ मैं डॉक्टर हूँ और मैं देखना चाहती हूँ। दिखाओ दिखाओ। Ha ha ha!
विभू अब तुम लिपस्टिक लगाने लग गए हो, अब ये नौबत आ गई है, इसीलिए मैं सोचूं कि आजकल तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो, मुझ पे ध्यान भी नहीं देते। काम डाउन। मैं स्ट्रेट हूँ यार, मतलब कहने का मतलब ये कि वो मुझे वो लिप बाम नहीं मिला तो तुम्हारी लिप से ही दिखी, मैंने वही लगा ली। इट्स सिंपल बट इट्स गुड। नो बहुत रिलीफ मिला मुझे, आई एम फीलिंग गुड। ये भगवान, तुमने मुझे डरा ही दिया था, मैं घबरा गई। तुम्हें पता है ना लिप बाम जो होता है वो बेडरूम में होता है। डार्लिंग, मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं ना। नहीं मिला तो मुझे बोल देते। तुम जॉगिंग के लिए गई हुई थी। अरे विपु, जॉगिंग से याद आया, मैं बाहर तमाशा देख रही थी। क्यों, बंदर आया तमाशा दिखाने के लिए? तिवारी जी का तमाशा। One of the same, वो भी तो बंदर ही है। Anyway. अरे सुनो ना, तिवारी जी के घर में चोरी हो गई है। हाँ, चोरी? Oh, that's sad. उन्होंने तो पता है पुलिस ही बुलवाई है। छोटी चोरी के लिए पुलिस बुला ली उन्होंने? Is he mad? तो मैं कैसे पता कि उनके घर में छोटी सी चोरी हुई है? अब यार वो जो आदमी कच्चे बनाने का बिजनेस करता है उसकी क्या औकात होगी, मतलब बेनेसेसिटीज होंगी और क्या यार, उस आदमी की औकात ही क्या, कोई क्या ले जाएगा उस घर से यार, है क्या उस आदमी के पास? देखो विभु, उसूलों की बात है, चोरी छोटी हो या चोरी बड़ी हो, चोरी चोरी होती है। उस चोर को पकड़ के तो जूते भिगा भिगा कर उसको मारना चाहिए। और जाओ तुम पोछो अपना मुंह, लगाओ लिप बाम, उसके बाद तुम्हें मेरे लिए नाश्ता भी बनाना है। हाँ, ये तिवारी जी ने पुलिस बुला ली यार, बड़ा घटिया आदमी भाई गॉड, मतलब एक छोटी सी लिपस्टिक के लिए। जी 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 जी, जो धंधा करता है ना वैसे ही आदमी, एकदम कच्चा बनियान कहीं का। अरे दादा, इस स्कूटर में बैठे बैठे सोचो पांव अकड़ जाते हैं जी। तो भैया तिवारी, जो बताओ, जाके घर में चोरी भई है, बाकू नाम? मनमोहन तिवारी। और जॉन ने चोरी करी है, बाकू नाम? हप्पू सिंह। तुम्हारा ससुर तिवारी दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारे घर में हम ससुर जी कच्चा बनियान चुराने आएंगे का है? अरे तो ऐसे बेहुदा सवाल का है, पूछ रहे हैं। चोर क्या हमारे विजिटिंग कार्ड छोड़ के गया था क्या, हम फलाना ढिमकाना? ये हमेशा ऐसे ही सवाल पूछते हैं। अरे ना ना अंगूरी भाभी, ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं। तो का आपकी टेनेंट बीवी कर रही है? वो टेनेंट नहीं, प्रेग्नेंट होता पगली। सही पकड़े हैं। खैर छोड़ो, ऐसा है, अब हम कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। भाभी नाश्ता में क्या बनो? आलू पराठा है। अरे घुइया बनो है। और तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है नाश्ता खिलाने का है ना? आप कार्यवाही आगे बढ़ा रहे हैं ना, कार्यवाही कर रहे हैं, गोबर के चौथ की तरह जम से गए हैं। तुम यार ससुर तिवारी, हमसे ज्यादा बकर बकर ना करो, करो समझे, जो कछु पूछ रहे हैं चुपचाप जवाब दो। पूछिए। कच्छा जोन गायब भाव है, बाकू रंग कैसू है? नीला। नीलो। और हरी नीली धारियां भी थी उसके ऊपर। सिर्फ नीला कह देना काफी नहीं था क्या? आ किसी और का ढूंढ लाए तो पहनना पड़ेगा ना। तिवारी यार, तुम भाभी को क्या छोड़ो, जो बता बनियान को रंग कहा तू? अच्छा सफेद था, पीछे छेद भी था। फटी हुई पहनते, कितनी बार बोला आपको? धुले भैया थे के बगैर धुल हाँ, मतलब है कि अरे वो कछु और कछु और कछु घर से चोरी भाव है? नहीं और कुछ नहीं। तो ससुर जब कछु और चोरी नहीं भाव है, कच्चा बनियान चोरी भाई है, तो काय को इतना राय तो फैला रहे हो है? ससुर तीसरी अदालत में ठाल लीजिए। अरे कछु कैश, कछु जेबर, कछु चोरी भाव हो तो समझ में आतो। हद है दरोगा जी, चोरी तो चोरी होता है ना, कच्चा बनियान हो या जेवर हो। भाई अंगूरी बिल्कुल ठीक कह रही है, वो चोर ने ठीक हमारे बेडरूम में घुसकर कच्चे बनियान चुराए हैं। नहीं, थोड़ी बहुत छीना झपटी हमारे से भी हुई, लेकिन हम उसका चेहरा नहीं देख पाए, इसलिए उसे काबू में लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो उसके हौसले बढ़ सकते हैं।
हाँ, और कल हो सकता है हमारे जेवर भी चोरी हो जाए। ससुर जो कौन आदमी हो सकते है जो चोरी कर रहा है? अब ये पता लगाना तो आपका काम है ना। अरे रहने तो भैया ये दरोगा जी के बस की बात नहीं है। दरोगा अप्पू सिंह जो है ना, वो निछावर खाते हैं सिर्फ। मुजरिमों को पकड़ने में इनके तोते लाल हो जाते हैं। तुम्हारी ससुर तो आई लाइक इट। अरे दरोगा अप्पू सिंह जी, भाभी माँ, तिवारी भैया, मैं जानता हूँ आपके घर में किसने चोरी की है। अरे दरोगा जी, आप थर्ड डिग्री मुझे देंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, बिकॉज थर्ड डिग्री आई लाइक इट। अच्छा तो ससुर तुम अरे ना, चलो थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री सब दे रहे तुम्हें ससुर। अरे अब इतनी डिग्रियां भी मत दे देना कि लौंडा निकल ले। आप ही के कच्चे बनियान कैसे चोरी हुए? जी कहिए, कौन चाहिए? जो घर कौन को है? मेरा घर है। तो महाराज, हम तुम्हें को ले जाने के लाने आए हैं सरकारी मेहमान बनाना।